मांधाता विधानसभा क्षेत्र में लगातार उपचुनाव को लेकर प्रचार अभियान और जोर पकड़ता जा रहा है। जहां कांग्रेस की तरफ से शनिवार को जीतू पटवारी और कुणाल चौधरी ने मांधाता कांग्रेस प्रत्याशी उत्तम पाल सिंह के समर्थन में एक सभा को संबोधित किया है। मांधाता विधानसभा सीट के मुंदी में यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुणाल चौधरी ने शायराना अंदाज में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में 25 गद्दारों ने क्या वोट बेचने के पहले आम मतदाताओं से पूछा था कि मैं बिक गया हूं और आपका वोट बेचकर मैंने भारतीय जनता पार्टी को सौंप दिया है, किस आधार से और किस हक से उन्होंने आम मतदाताओं के वोट को बेचा, यह आम मतदाता का अपमान है। वहीं उन्होंने कहा कि अब ऐसे गद्दारों को सबक सिखाने का वक्त आ गया है और मांधाता के साथ ही प्रदेश की 28 सीटों पर भी निश्चित तौर पर कांग्रेस जीत दर्ज कर एक बार फिर कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाएगी। वहीं कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री जीतू पटवारी ने भी चोटिले भरे अंदाज में शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कहते हैं कि वह राज परिवार में पैदा हुए हैं और अपार संपत्ति के मालिक हैं, तो फिर झांसी की रानी की हत्या में शामिल होने वाले उनके परिवार को भी माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर वह संपत्ति का मालिकाना हक रखते हैं तो माफ़ी मांगना भी उनका दायित्व बनता है। वहीं कहा कि शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में विधायकों की मंडी लगवा दी है, जिसमें विधायक भी भिंडी के भाव में बिक रहे हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि किसानों की कर्ज माफी एक बार फिर होगी। प्रदेश में कमलनाथ सरकार के बनने के बाद ही यह दोबारा से शुरू हो जाएगा और 1 लाख से ऊपर के किसानों का कर्ज माफ फिर से होगा। हिंसा करना चाहते हैं क्या भारतीय जनता पार्टी? हिंसा की राजनीति की परोपकारी हो गई है क्या भारतीय जनता पार्टी? गिरिराज डंडो के मंत्री ने जो बयान दिया, क्या ऐसी साजिश रच रही है क्या भारतीय जनता पार्टी? कमलनाथ जी की हत्या करवाना चाहती है? शिवराज सिंह, आपको इसका जवाब देना होगा मध्य प्रदेश को। शिवराज जी, कमलनाथ जी से आप नफरत करो, घृणा करो, पर एक अच्छी राजनीति मध्य प्रदेश की अपनी विरासत है। इस विरासत में हिंसा घृणा के कांग्रेस पार्टी, कमलनाथ जी आने वाले हैं और शिवराज जी जाने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा मध्य प्रदेश ने देखा। उनका एक मंत्री कमलनाथ जी की हत्या करने की धमकी देता है और शिवराज सिंह चौहान और पूरी भारतीय जनता पार्टी मौन है, ये बताता है इनके चाल चरित्र और चेहरे को। मध्य प्रदेश की जनता समझे कि पहले इन्होंने लोकतंत्र की हत्या की, चीर हरण किया, तार तार किया मध्य प्रदेश के सम्मान को, और अब इन्होंने हिंसा की राजनीति पर जाना चाहते हैं। मध्य प्रदेश की जनता देख रही है 28 की 28 सीट, फिर से नोट, 28 से 28 सीट, दिल्ली जैसे रिजल्ट कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मध्य प्रदेश के परिवारजन लाना चाहते हैं। मैं मानता हूँ मांधाता सीट, ये जनसमूह बताता है कि भारी तादाद में उत्तम हमारा छोटा भाई बहुत ताकत से चुनाव जीतने वाला है कि नहीं। धन्यवाद भैया। भैया, मध्य प्रदेश के चुनाव में कोरोना की वैक्सीन की एंट्री हो गई है। अब आप देखो कि शिवराज सिंह जी कितने गिरेंगे, जो वैक्सीन आई नहीं उसको देंगे फ्री, फिर पता चला अब गरीबों को दूंगा, उससे पहले जिनको कोरोना हो गया था उनका इलाज मुफ्त कराऊंगा। इलाज में 5 लाख रुपए में एक आदमी ठीक हुआ, घर बेच दिया, जमीन बेच दी, अन्यथा जमीन और घर नहीं बेच पाए तो मर गया, ऊपर चला गया, 1000 से ज़्यादा लोग सुहा हो गए। शिवराज सिंह का झूठ, पाखंड, उनका लोगों को बरगलाना और झूठ बोलने की प्रवृत्ति मैं समझता हूँ कि घर घर पहुँच रही है। शिवराज की 21,000 घोषणाएँ झूठी अधूरी है, उसमें ही वैक्सीन भी एक जुड़ गई। हिंसा करना चाहते हैं क्या भारतीय जनता पार्टी? हिंसा की राजनीति की परोपकारी हो गई है क्या भारतीय जनता पार्टी? गिरिराज डंडो के मंत्री ने जो बयान दिया, क्या ऐसी साजिश रच रही है क्या भारतीय जनता पार्टी? कमलनाथ जी की हत्या करवाना चाहती है? शिवराज सिंह, आपको इसका जवाब देना होगा मध्य प्रदेश को। शिवराज जी, कमलनाथ जी से आप नफरत करो, घृणा करो, पर एक अच्छी राजनीति मध्य प्रदेश की अपनी विरासत है। इस विरासत में हिंसा घृणा। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए खंडवा से रोमी सलूजा की रिपोर्ट।